ये लीजिए, फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, काजू कतली। बिल्कुल मार्केट जैसी काजू कतली घर में ही बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही आसानी से। तो 800 रुपये किलो बनने वाली काजू कतली हम घर में सिर्फ 100 रुपये एक बजट में ही बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 1 कप काजू लिए हैं, तो इस तरह से काजू लिए। आप चाहे तो टुकड़ा काजू भी ले सकते हो। यहाँ आधा कप मगज लिए हैं खरबूजे के बीज। तो हलवा ये दोनों ही से ही बनाते हैं काजू कतली। इसे फाइन पाउडर बनाना है हमें और कंटिन्यू चलाते नहीं रहना, रोक रोक कर चलाना है मिक्सी, ताकि ये बढ़िया सा पाउडर बनकर तैयार हो। वरना कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो वरना इसमें ऑयल निकल जाता है, इसलिए हमें रोक रोक कर चलाना है। और इस तरह से इसे छान लेंगे। ये देखिए इस तरह से पाउडर चाहिए हमें, ये परफेक्ट है। तो अब यहाँ मैंने एक गैस पे पैन रख दिया है। यहाँ आधा कप चीनी लेंगे और हमें चाशनी बनानी है। तो आधा कप चीनी में आधा कप से भी कम पानी लेंगे और इसमें पानी इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट में ही आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी हाई फ्लेम पर। तो ये देखिए इस तरह से बस चाशनी को पका लेना है। और ये देखिए चाशनी तैयार, बस इस बहुत ही जल्दी से ये चाशनी तैयार हो जाती है। ये देखिए एक तार की चाशनी चाहिए हमें और ये परफेक्ट है। ये देखिए इस तरह से तार बनना चाहिए। और अब यहाँ हमने जो काजू पाउडर पीस के रखा था, अब वो इसमें ऐड कर देंगे। आप यहाँ गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और फिर इसे मिक्स करिएगा। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही पसंद आएगी आपको और बहुत ही आसानी से और बजट में हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, बस परफेक्ट इसी तरीके से बनाइए और बहुत ही सही से आपकी काजू कतली बनकर तैयार होगी। अभी इसे बंद कर देना है। ये देखिए अब यहाँ ये बबल्स आने लगे हैं, बस हमें इतना ही इसे पकाना है 2 मिनट। बस अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे मैंने एक पॉलीथीन पे निकाल लिया है और इसे इस तरह से अलट पलट करते हुए थोड़ा ठंडा कर लेना है। बस इसी तरह से डो के फॉर्म में आ जाएगा ये, जैसा जैसा ठंडा होगा ये डो के फॉर्म में आ जाता है। बस अब इसे तो इसी तरह से थोड़ा चिकना कर लेंगे और अब इसे थोड़ा सा चपाती की तरह गोल साइज में हल्के हाथों से मैंने बेल लिया है, इसे फैला लिया है। अब इसे यहाँ बेलन पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे चिकना कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। ये देखिए बस इस तरह से बेलते जाएंगे। और ये देखिए अब यहाँ मैंने इस तरह से बेल लिया है, इतनी ही साइज़ रखी है और हमें इतनी पतली साइज़ चाहिए काजू कतली की, जैसे मार्केट में होती है ना, बस उसी तरह से। तो यहाँ चांदी का वर्क लगा लिया, अगर आपके पास है तो लगाइएगा, वरना ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी अच्छी लगेगी। तभी यहाँ साइड से थोड़ा कट कर लेंगे और इस तरह से लेंगे डायमंड शेप में कट लगा लेंगे इस तरह से। और ये देखिए काजू कतली बनकर तैयार और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे बनाकर तैयार कर सकते हो और वो भी बजट में। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।